तो सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो फुल डिमांड में है, जो हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है। इसे आप सत्ता की गुड न्यूज भी कह सकते हैं, क्योंकि इस खबर का असर सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन सत्ता की कुंजी खोलने से पहले वो जरूरी सवाल जो आपने मन में बहुत दिलचस्पी आपके पैदा कर रहे होंगे। आज देश में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पहला सवाल यह कि क्या आपकी जेब पर पेट्रोल डीजल का बोझ कम होने वाला है? क्या आपको बहुत जल्द 15 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के बराबर सस्ता ईंधन मिलने वाला है? फिर से सुन लीजिए, 15 रुपए प्रति लीटर, जिसके लिए मौजूदा वक्त में आप करीब 100 रुपए तक खर्च करते हैं। आज हम सत्ता में आपको यह समझाने वाले हैं कि भारत में कैसे 15 रुपए प्रति लीटर वाली एथेनॉल क्रांति हुई है और इसका बड़ा फायदा आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसके लिए हम आपको केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कुछ दिन पहले का एक बयान सुनाते हैं जो आज हुई क्रांति का ट्रेलर था। उसके बाद सत्ता की पहली कुंजी खोलेंगे और बताएंगे कि आपके लिए और आपकी जेब के लिए आज का शुभ समाचार क्या है। कि टोयोटा की गाड़ी आ रही है जो 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी, और इथेनॉल का रेट 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए। अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपए लीटर आएगा। तो देश में रिवोल्यूशन होगा और ये पूरा इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, ये किसान तैयार कर रहा है। तो नितिन गडकरी की इस बात के बाद वो खबर सुनिए जिसने भारत के आम लोगों के मन में उम्मीदों का टैंक फुल कर दिया है। आज भारत में पहली बार 100% एथेनॉल से चलने वाली कार का प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया गया, यानी एक ऐसी कार जो पूरी तरीके से एथेनॉल पर चलेगी और इसमें पेट्रोल मिलाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस गाड़ी का नाम है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। मतलब ये गाड़ी बैटरी के साथ 100% एथेनॉल पर भी चलाई जा सकेगी। इसकी खास बात यह है कि बैटरी खत्म होने के बाद कार रुकेगी नहीं, बल्कि इसे एथेनॉल फ्यूल पर चलाया जा सकेगा, और जब तक गाड़ी एथेनॉल पर चलेगी उसकी बैटरी खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी। आज हुई इस एथेनॉल क्रांति से कार चलाने का खर्च कम हो जाएगा, यह भी आज हम आपको समझाने वाले हैं। आप इस खबर में बार बार एक शब्द सुन रहे होंगे, एथेनॉल, और हमारे बहुत से न्यूज मित्रों के मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर यह एथेनॉल होता क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो यह भी समझ लीजिए, एथेनॉल एक तरीके का अल्कोहल होता है। एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल डीजल के मुकाबले सस्ता होता है, और सबसे बड़ी बात यह कि एथेनॉल प्रदूषण कम करने में बहुत कारगर फ्यूल है। एथेनॉल फ्यूल की खास बात यह है कि यह तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसान के खेतों से आता है। बिल्कुल सही सुना आपने, किसान के खेतों से। कैसे, वो समझिए। दरअसल एथेनॉल को गन्ने के रस, चुकंदर, सड़े हुए आलू, ज्वार, बांस, मक्खा और सड़ी हुई सब्जियों से तैयार किया जाता है। इससे निकलने वाले स्टार्च और शुगर का फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर तैयार होता है एथेनॉल। इसी एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि जब 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां देश में बनने लगेंगी तो इसका फायदा होगा क्या। सबसे पहले फायदा यह कि एथेनॉल बहुत कम खर्चीला होता है, इसकी मौजूदा कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। दूसरा फायदा, एथेनॉल इको फ्रेंडली है क्योंकि इसके इस्तेमाल से गाड़ियां 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं, इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। एथेनॉल या एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले बहुत कम गर्म होती है, इससे गाड़ी के इंजन की लाइफ बढ़ेगी। एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी क्योंकि एथेनॉल गन्ने, मक्का और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है, इससे किसानों को सीधा फायदा होगा और इससे एक बड़ा फायदा सरकार को भी होगा। एथेनॉल के इस्तेमाल से भारत का तेल आयात करने का खर्च बचेगा। एक आंकड़े के मुताबिक भारत हर साल 16 लाख करोड़ का तेल आयात करता है, यानी आज भारत में 100% एथेनॉल पर चलने वाली जिस गाड़ी के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया गया वो न्यूज मित्रों के लिए, देश के किसानों के लिए और साथ ही साथ सरकार के लिए एक शुभ संकेत है। आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस गाड़ी के प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। हम इस पर न्यूज मित्रों के लिए एक रील लेकर आए। कार आई है ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर। 60 रुपए में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है।
मानिए ये सामान्य इनोवा कार नहीं है, ये अपने आप में अलग है और इसको अलग बनाती है इसका इंजन, इसको अलग बनाता है इसका फ्यूल सिस्टम और ये देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार इलेक्ट्रिक कार है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है और इस कार का प्रोटोटाइप आज हिंदुस्तान में लॉन्च हुआ है। ऐसे तो ब्राजील और दूसरे देशों में भी है ये। इसमें फर्क ये है कि ब्राजील में है ये गाड़ी 2019 में लाया गया, बट यहाँ पर इसमें विशेषता ये है कि ये इंडिया के एमिशन नॉर्म्स जो कि BS6 स्टेज 2 पहुंच चुके हैं ये उसको मीट करने के लिए डिजाइन की जा रही है, जबकि ब्राजील में BS6 स्टेज 2 अभी नहीं है। तो उस कारणवश इसको ये कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मीटिंग BS6 स्टेज 2। आम लोगों को अगर हम समझाएं कि फ्लेक्स फ्यूल कार किसको बोलते हैं, फ्लेक्स फ्यूल आम भाषा में ये होगा कि आपकी इच्छा है एज कंज्यूमर कि आप पेट्रोल यूज करें जो कि मिल रहा है या फिर आप इथेनॉल यूज करें, कोई भी मिक्सचर में करके। फ्लेक्स मींस फ्लेक्सिबल, फ्यूल मींस फ्लेक्सिबल फ्यूल, मींस या तो पेट्रोल यूज कर लीजिए या इथेनॉल यूज कर लीजिए या मिला के कुछ भी यूज कर लीजिए। बहुत ही लग्जरियस मॉडल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और ये 100% इथेनॉल भी हो सकता है, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये कार अपने आप में अहम इसलिए भी है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसकी फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के ऊपर पावर्ड बाय इथेनॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा इथेनॉल का प्रयोग होगा और जो चार्जिंग सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम तो है ही है। वैसे ऐसा नहीं है, भारत में अभी एथेनॉल फ्यूल की गाड़ियां नहीं चलती हैं, लेकिन अभी देश में गाड़ियों के लिए फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल उस ईंधन को कहते हैं जब पेट्रोल में एथेनॉल या मेथेनॉल मिलाकर नया ईंधन बनाया जाता है। एक तय मात्रा में अभी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर भारत में इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन अब जब 100% एथेनॉल वाली गाड़ियां भारत में आ जाएंगी तो उसके लिए ईंधन में पेट्रोल मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एथेनॉल की कीमत कम हो जाएगी और आपकी जेब पर जो अभी फ्यूल का भारी भरकम बोझ है वो भी कम हो जाएगा। अब हम आपको एथेनॉल वाली कार पर सरकार का वो प्लान बताते हैं जिस पर काम शुरू हो चुका है और अब 100% एथेनॉल से चलने वाली कार बाजार में आ जाएगी तो ये सरकार के लिए भी बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल साल 2021-22 में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए 86% ईंधन आयात किया गया था। इस निर्भरता को कम करने के लिए सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल E20 योजना लॉन्च की। E20 फ्लेक्स फ्यूल में फिलहाल सरकार पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की योजना पर काम कर रही है। इससे दूसरे देशों से कम तेल खरीदने की जरूरत होगी और सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल सरकारी खजाने में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत भी होगी। वैसे आज हम आपको यह भी बता दें कि जिस एथेनॉल ईंधन इंडस्ट्री में भारत ने अब एंट्री की है, ब्राजील में इस मामले में खुद को उसने चैंपियन बना लिया है। मौजूदा वक्त में ब्राजील एथेनॉल इस्तेमाल करने के मामले में दुनिया में नंबर वन देश है, लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे। ये बात करीब 50 साल पहले की है जब 6 अक्टूबर 1973 को अरब देशों और इसराइल के बीच जंग छिड़ गई। इस जंग में अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया और इसराइल की जीत हुई। इससे नाराज होकर अरब देशों ने अमेरिका, कनाडा और नीदरलैंड जैसे देशों को तेल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अरब देशों के इस फैसले से दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बहुत बड़ा झटका लगा। यही वो समय था जब ब्राजील ने तेल को लेकर आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत की। साल 1975 में ब्राजील ने नेशनल अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया। ब्राजील ने शुरुआत में गन्ने से एथेनॉल बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद ब्राजील में कई बड़ी कंपनियां भी एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनाने लगी। महज 6 साल में ब्राजील की कंपनियां 100 में से 75 ऐसी कार बनाने लगी जो पूरी तरीके से एथेनॉल से चलती थी। इसी एथेनॉल के इस्तेमाल की वजह से 2019 में ब्राजील ने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की और इस एथेनॉल वाले फॉर्मूले पर भारत ने भी अब काम करना शुरू कर दिया है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है।